दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाना चाहते हैं। इसके लिए उनकी कंपनी स्टारलिंक जोर शोर से काम में लगी हुई है। एलन मस्क भारत में भी इंटरनेट की दुनिया में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ समय से अड़चने आ रही थी जो अब खत्म होती दिख रही है। दरअसल भारत सरकार स्टारलिंक के कारोबार में आ रही दिक्कतों को दूर करने में लगी है। जानकारी के अनुसार दूरसंचार विभाग यानी डॉट ने उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने के लिए मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाना शुरू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए एलन मस्क की स्टारलिंक अकेली नहीं है। स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अलावा भारतीय समूह की वन वेब, ये दो बड़ी कंपनियां रेस में शामिल है। यानी लाइसेंस की दिक्कतों के अलावा अपने कोर ग्रुप में कंपनी का सीधा मुकाबला भारतीय एयरटेल की ग्रुप कंपनी वन वेब से भी होगा, मतलब मुकाबला कड़ा होगा। फिलहाल लाइसेंस पर बात करें तो सरकार की तरफ से हाल ही में कहा गया था कि स्टारलिंक ने अभी तक देश में इंटरनेट सर्विस के लिए लाइसेंस नहीं लिया है। ऐसे में देश की जनता को कंपनी की तरफ से किए जा रहे प्रचार के झांसे में नहीं आना है और इसकी सेवाओं के लिए फिलहाल सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है। लेकिन अगर जल्द लाइसेंस से जुड़ी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं तो स्टारलिंक भारत में बहुत जल्द अपने सर्विसेज की शुरुआत कर सकेगी। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक स्टारलिंक भारत में अपने सर्विस की शुरुआत 10 ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से करेगी। अभी तक की योजना के मुताबिक स्टारलिंक दिसंबर 2022 से भारत में अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करना चाहती है। शुरुआत में ये 2,00,000 टर्मिनल के लिए सरकार से मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया में है। स्टारलिंक के मुताबिक अभी तक भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए 5,000 से ज्यादा आवेदन भी आ चुके हैं। दरअसल एलन मस्क चाहते हैं कि भारत में भी सैटेलाइट के जरिए लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जाए। सैटेलाइट इंटरनेट का कॉन्सेप्ट काफी पहले से है। हजारों सैटेलाइट के जरिए जमीन पर लोगों को इंटरनेट दिलाया जा रहा है। इसकी मदद से पहाड़ी, ग्रामीण और सुदूर एरियो में कहीं भी इंटरनेट की पहुंच हो सकती है। एलन मस्क प्राइवेट कंपनी चलाते हैं और बिजनेस करते हैं, इसलिए जाहिर है कि वो इंटरनेट बेचकर मोटा पैसा कमाना चाहेंगे। सैटेलाइट भेजने में भी पैसे लगेंगे तो इसे रिकवर भी करना होगा, इसलिए ये इंटरनेट फ्री तो नहीं मिलेगा और इसके लिए लोगों को खासा पैसा खर्च करना होगा। अमेरिका में स्टारलिंक $99 यानी करीब 7,300 रुपये चार्ज कर रही है, जिसमें ग्राहक को 50 से 150 Mbps की स्पीड मिलती है। भारत में भी इसके लिए करीब 7,000 रुपये में प्री ऑर्डर लिए गए हैं। यानी ये सस्ता तो बिल्कुल नहीं होगा। भारत में एलन मस्क की राह इतनी आसान भी नहीं है। जैसा कि हमने पहले बताया, एयरटेल के सुनील मित्तल और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी से एलन मस्क की जबरदस्त टक्कर होगी। उनको जबरदस्त मुकाबला मिलेगा दोनों से। भारतीय एयरटेल की सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड कंपनी वन वेब में बड़ी हिस्सेदारी रखती है। इसके अलावा भारत में रिलायंस जियो का भी बड़ा यूजर बेस है। इन बैंडविड्थ को अलग अलग यूजर्स और ग्राहकों को बेचा जाएगा। इसमें बिजनेस एंटरप्राइजेज, रेलवे, शिपिंग कंपनियां, एयरलाइंस और टेलीकॉम कंपनियां भी शामिल होंगी। इस तरह स्टारलिंक को भारत में सीधे तौर पर एयरटेल और जियो से जबरदस्त चुनौती मिलेगी। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर अमेज़न भी देश में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस में कदम रखना चाहती है। कंपनी को लगता है कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड भारत में एक बड़ा बाजार है, इससे ज़्यादा ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ये इसके रिटेल बिजनेस के लिए भी एक बूस्टर डोज साबित हो सकता है। तो ये मुकाबला काफ़ी कड़ा हो सकता है, बाकी वक्त बताएगा क्या होता है। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।